टेलीविजन पर हर साल की तरह जल्दी ही गोल्ड अवार्ड्स 2022 हमें एंटरटेन करते नजर आएंगे। सैटरडे नाइट मुंबई में ये अवार्ड्स हुए और यहाँ पर कई टेलीविजन सेलिब्रिटीज पहुंचे। आइकॉनिक स्टाइलिश वुमेन का अवार्ड गया जैस्मिन बसिन को, जो गोल्ड अवार्ड्स पर भी काफी स्टाइलिश लगी। उन्हें ऑरेंज नियॉन शॉर्ट ड्रेस में कैप्चर किया गया, वो काफी प्रिटी लगी। आइकॉनिक मोस्ट ग्लैमरस टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड गया एरिका फर्नांडिस, एंड एज यूजुअल यहाँ भी वो बहुत ही ग्लैमरस लगी। व्हाइट कलर के जंप सूट में वो बहुत प्रिटी लग रही थी और इस लुक को उन्होंने कंप्लीट किया व्हाइट ब्लेजर के साथ। आइकॉनिक बेस्ट पावर बैक पर्सनैलिटी का अवार्ड गया शमिता शेट्टी को, वो यहाँ पर ब्लू कलर की ब्लिंग ड्रेस में काफी प्रिटी लगी। आइकॉनिक बेस्ट नेगेटिव टीवी एक्ट्रेस बनी नागिन फेम उर्वशी ढोलकिया। बेस्ट नेगेटिव लीड रोल का अवार्ड मिला संजय गगनानी को। बेस्ट डेब्यू टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड गया मेहंदी है रचने वाली एक्ट्रेस शिवांगी खेडकर को, और इसी शो के मेन लीड एक्टर सई केतन राव को मिला बेस्ट डेब्यू टीवी एक्टर का अवार्ड। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगे, इन दोनों ने ही एक साथ रेड कार्पेट पर पोज भी किया। जहां सई को देखा गया ग्रीन कलर के सूट में, वहीं शिवांगी नजर आई एक ब्लिंग गाउन में, जिसकी बैकलेस चोली को वो फ्लॉन्ट करती नजर आई। मोस्ट लाइक्ड टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड गया देबात्मा साहा को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता कुंडली भाग्य के धीरज धूपर ने, वो यहाँ काफी डैशिंग लग रहे थे। मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस का अवार्ड गया बालिका वधु की आनंदी यानी की शिवांगी जोशी के पास। शिवांगी जोशी को रेड कार्पेट पर थाई हाई स्लिट ड्रेस में कैप्चर किया गया, जिसके साथ एक ग्रे ट्रेल था और उनकी काफी एक्स्ट्रावेगेंट स्लीव्स भी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही थी। इसी के साथ बात करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी आइकॉनिक एक्ट्रेस के अवार्ड की, तो ये गया द वेरी टैलेंटेड हेली शाह को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बने करणवीर शर्मा फॉर हिज फिल्म अ थर्सडे। मोस्ट ट्रस्टवर्दी टीवी एक्टर रहे शरद मल्होत्रा, और बेस्ट कॉमिक टीवी शो रहा भाभी जी घर पर है। बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला महिमा मकवाना को फॉर हर फिल्म अंतिम। इसके अलावा टेलीविजन की प्रिटी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपने हस्बैंड विवेक दहिया के साथ अवार्ड शो पर नजर आई। नेहा बसिन को भी यहां पर कैप्चर किया गया।